नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम नक्की लेक माउंट आबू में हैं और आज इस वीडियो में नक्की लेक का एक पूरा परिक्रमा करने वाले, एक पूरा राउंड लगाने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में और आप भी मेरे साथ में इस पूरी नक्की लेक परिक्रमा पथ का आनंद लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस पूरी परिक्रमा में आप देखेंगे ये टोड रॉक है, रघुनाथ मंदिर है और नेशनल वाटिका है और इधर भारत माता मंदिर है, ये इधर सामने इस पेड़ के पीछे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इधर से नक्की लेक परिक्रमा पर आपका हार्दिक स्वागत है और ये राजस्थानी स्टाइल में खम्मा घणी। और ये यहाँ पर भगवान महावीर का एक मूर्ति स्थापित किया गया है टॉप में और ये नीचे से ऊपर तक सीढ़ियाँ जाती हैं, इधर भी है, इधर भी है। आइए आगे चलते हैं। और यहाँ गांधी वाटिका है। ये गांधी वाटिका उद्यान, आइए और आगे चलते हैं। यहाँ से ये बैरियर लगा के गाड़ियों के लिए शायद बंद किया गया है या कुछ टोल वगैरह का सिस्टम होगा। ये कुछ यहाँ का व्यू है, ऊपर एक घड़ी लगा हुआ है और ये एक काफी पुराना स्ट्रक्चर। और ये कुछ लोग जो मॉर्निंग वॉक करके आए हैं, बच्चे हैं। आइए आगे चलते हैं। और यहाँ ये बोटिंग का पॉइंट है, अभी मॉर्निंग है इसलिए शुरू नहीं हुआ। और एक ये माँ मंदिर यहाँ पर झील के अंदर बना हुआ, आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ स्वामी विवेकानंद तपस्या स्थल है और टोन रॉक भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कभी स्वामी जी ने तपस्या की थी। और ये यहाँ का पूरा व्यू, आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ से ये पूरा व्यू झील का, इधर वो छोर से आपको देखिए दूर तक और ये पहाड़ सामने। और इधर ये कलर किया हुआ एक मंदिर बना रखा है यहाँ पे, बीच के अंदर है बिल्कुल ये इस लेक के। और ऐसे ही हम इधर घूम के देखेंगे तो पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो पानी के अंदर बादलों का शेडो आ रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, पानी शांत है और कुछ चिड़ियाँ ची 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 आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। बहुत ही शानदार नज़ारा। और वहाँ दूर एक देखिए मोटर चला के पानी को और ऊपर तक पहुँचाया जा रहा है, आइए आगे चलते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये बड़ा सा एक पत्थर, यहाँ उसके नीचे ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। और ब्रह्मा कुमारी जी का यहाँ पर काफ़ी योगदान है, ये जितने भी गमले देख पा रहे हैं इन पे सब पे नंबरिंग और नंबरिंग के साथ में सौजन्य से ब्रह्मा कुमारी, ये इस पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए। और यहाँ ये जय श्री राम संकट मोचन श्री हनुमान जी का मंदिर नक्की दक्षिणी तट आबू पर्वत,
ये हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर बोट क्लब, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल माउंट आबू, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी CRF माउंट आबू का। और यहाँ का ये व्यू, और सामने ही गायत्री माता का मंदिर है। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ श्री राम जानकी उद्यान, नगर पालिका मंडल आबू पर्वत। और इसी के सामने राष्ट्रीय उद्यान, नगर पालिका मंडल आबू रोड। दो उद्यान यहाँ पर, दो गार्डन यहाँ पे आमने सामने बने हुए हैं। और ये कुछ चेतावनी, इस परिसर में नशीले शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना है। आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ हम इस झील के, नक्की लेक के आखिरी छोर, इस साइड का जो है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और यहाँ से ये व्यू आपको पूरा मिलेगा यहाँ देखने के लिए। और ये दो उद्यान जो हमने अभी देखे, उनकी हरियाली। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ बिलेवाक ट्रेल शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पर आपको नेचुरल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और ये ट्रेल का यहाँ से इंडिकेशन दे रखा है, निशान दे रखा है। ढाई किलोमीटर का ये पूरा ट्रेल। आइए और आगे चलते हैं। और ये हम जिधर से चल के आए हैं, उधर ही ऊपर ये टोड रोग जो है वो आपको दिखाई देता है। यहाँ से इसी के नीचे नीचे हम यहाँ से चल के आए हैं। और सामने सूरज चढ़ता हुआ, और ये ट्रैक जिस पे हमें और आगे चलना है। आइए आगे चलते हैं। और ये खूबसूरत कलरफुल फूल यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। इन गमलों में अलग अलग कलर, ये देखें आप, इसमें दो कलर हैं, ये वाइट है, ये कुछ और कलर का है। यहाँ ये दो तीन कलर के मिक्स हैं इसमें। और इस तरह से ये आपको दिखता है। ये देखिए, अंदर से वाइट के अंदर से कुछ और कलर निकल के आ रहे हैं। और ये पत्ती जैसे बने हुए हैं दो कलर में, ये अलग कलर। और इस तरह से आपको ये फूल भी आप देखने को मिल जाते हैं। और सामने देखिए बड़े बड़े रॉक, बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ ये पानी का फुहारा चलाया गया है मोटर के द्वारा। देखिए कितना ऊपर तक जा रहा है। ये भी जूम करके देखें तो ये देखो नीचे मोटर लगी हुई है, और इधर तक इसका हवा के साथ पानी आ रहा है। और आगे चलते आइए। और सामने हनीमून पॉइंट बना हुआ है, यदि इस पे आप जाते हो आगे तो। और इसी के साथ में ये पहाड़ों के बीच में श्री चंद्रशेखर महादेव मंदिर, लाल कलर में ये बड़ा सा एक मंदिर यहाँ इन पहाड़ों के बीच में। आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ एक और उद्यान, मोहनलाल सुखाड़िया उद्यान। आइए इस उद्यान को अंदर से देखते हैं। और यहाँ ये
पानी का फुहारा चल रहा है। और ये यहाँ का पूरा व्यू, ये आई लव माउंट आबू का इस उद्यान के अंदर पूरा व्यू। सामने ये फुहारा, और यहाँ पर ये वंडर पार्क बनाया गया है। ये कुछ इंग्लिश में लिखा गया है यहाँ पर, 1/1/2020 को इसमें तारीख दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ झलकियाँ टाइप की, हवा महल है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कलरफुल बना रखी हैं इसमें। इसी आई लव यू माउंट आबू के थोड़ा आगे चलते ही, आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ से देखिए आप ये मेंढक की शक्ल का जो बना हुआ है टोंड उसका, और ये यहाँ का व्यू। अभी आई लव माउंट आबू जो हम थे वो यहाँ था, आइए और आगे चलते हैं। दरगाह सैयद शहीद एहसान अली शाह बाबा की दरगाह यहाँ पर, इसी रोड के ऊपर, इधर से अभी हम चल के आए हैं। आइए और आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये सर्किल, ये सामने दरगाह, और यहाँ बर्मा कुमारी का डायरेक्शन दे रखा है इधर, और इधर ही गुरु शिखर का भी है। आइए और इधर चलते हैं। और यहाँ इस चौक से आपको गुरु शिखर के लिए और आगे कहीं जाने के लिए जीप मिल जाती है। और ये स्टॉल यहाँ पर आपको खाने के लिए, और ये आपको घुड़सवारी के लिए भी, यहाँ पे घोड़े की राइड कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए कितना प्यारा ये नज़ारा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।